हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ काफ़ी सारे कमाल के किचन गैजेट्स, जिनका यूज़ करके आप अपने किचन के कामों को बड़ा ही आसान बना सकते हैं। और अगर आपको ये गैजेट पसंद आते हैं तो आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से 99 रुपीज़ से 1000 रुपीज़ के अंदर परचेस कर सकते हैं। इन सभी गैजेट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। सो गाइस, इस वीडियो को पूरा देखें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस लाता रहता हूं। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बैटर मिक्सर एंड डिस्पेंसर। गाइस, ये एक बैटर मिक्सर है। सिंपली आपको इसमें इंग्रेडिएंट्स को डालना है, उसके बाद इसमें ऊपर की साइड से दिए गए हैंडल को बार बार प्रेस करना है, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाएंगे और पेस्ट रेडी हो जाएगा। और पेस्ट को बाहर निकालने के लिए साइड वाले हैंडल को प्रेस करना होता है, जिससे पेस्ट नीचे की साइड से बाहर आ जाएगा और आप अपनी डिशेस बना सकते हैं। कोरर प्रेस्टो। गाइस, ये कोरर प्रेस्टो है। इस टूल में आपको अलग अलग साइज के ब्लेड मिल जाएंगे, जिन ब्लेड्स को यूज करके आप कुछ इस तरह से प्याज के अंदर, आलू के अंदर एंड अपनी फेवरेट वेजिटेबल के अंदर कोर बना के टेस्टी डिशेस बना सकते हैं। सो गाइस, अगर आप भी वेजिटेबल के अंदर कोर बना के डिशेस बनाना चाहते हैं तो ये गैजेट काफ़ी यूजफुल हो सकता है। स्ट्रॉबेरी स्लाइजर। दोस्तों, ये स्ट्रॉबेरी स्लाइजर है, जिसकी हेल्प से आप स्ट्रॉबेरी को छोटे छोटे स्लाइसेस में कट कर सकते हैं। आपको बस इसमें स्ट्रॉबेरी को डालना है और दिए गए हैंडल को प्रेस करना है, जिससे स्ट्रॉबेरी छोटे छोटे पीस में कट होकर नीचे आती रहेगी। आप इसमें स्ट्रॉबेरी के अलावा और भी छोटे छोटे फ्रूट्स को कट कर सकते हैं। एप्पल पीलर। दोस्तों, ये एक एप्पल पीलर है, जिसकी मदद से आप एप्पल के छिलके को छील सकते हैं। आपको इसके ऊपर एप्पल को रखना है, उसके बाद इस एप्पल पीलर के हैंडल को कुछ इस तरह से घुमाना है, जिसके बाद एप्पल का छिलका छील जाएगा और आप एप्पल को मजे से खा सकते हैं। स्प्रिंग स्लाइजर। गैस, वैसे तो सैलेड को काटने के लिए हम लोग चाकू का यूज करते हैं, पर अगर आप सैलेड को क्रिएटिव तरीके से काटना चाहते हैं तो इस गैजेट का यूज कर सकते हैं। सिंपली आपको इसे वेजिटेबल में लगाने के बाद इसे धीरे धीरे घुमाना है और आपकी वेजिटेबल एकदम क्रिएटिव तरीके से स्लाइस हो जाएगी। सो गाइस, अगर आप भी सैलेड को क्रिएटिव तरीके से काटना चाहते हैं तो इसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से परचेस कर सकते हैं। प्रीसीजन स्लाइसिंग नाइफ। दोस्तों, हम सभी के किचन में सबसे ज्यादा यूज होने वाला टूल है नाइफ, और ये अमेजिंग नाइफ आपको सिर्फ देखते ही पसंद आ जाएगा। ये किसी भी टाइप के फ्रूट और वेजीज को स्लाइसेस में कट करने के लिए परफेक्ट रहता है। आप इसकी थिकनेस को भी अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इस नाइफ को कार्बन हार्ड जैपनीज स्टील ब्लेड से बनाया गया है, जिस वजह से काफी शार्प एंड ड्यूरेबल होता है। गाइज, आप नॉर्मल कटिंग में भी इसका यूज कर सकते हैं। कैबेज स्लाइजर। गाइज, ये कैबेज स्लाइजर है, जिसमें आप बंद गोभी को स्लाइस कर सकते हैं। सिंपली आपको इस मशीन के ऊपर कैबेज को रखना है और फिर इसमें दिए गए हैंडल को घुमाना है, जिससे कैबेज स्लाइस होकर नीचे आती रहेगी। आप इसे रेस्टोरेंट में भी यूज कर सकते हैं, जिससे आपका काम कुछ ही मिनटों में हो जाएगा। आप इसकी ब्लेड को निकाल भी सकते हैं और फिर ब्लेड को शार्प करके मशीन में लगा सकते हैं। सो गाइस, बंद गोभी को फास्ट तरीके से काटने के लिए ये मशीन काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ओनियन होल्डर। गाइस, वैसे तो वेजिटेबल को कट करने के लिए हम लोग नाइफ का यूज करते हैं, तो गाइस नाइफ का यूज करके और भी फास्ट तरीके से वेजिटेबल को कट करने के लिए आप यूज कर सकते हैं इस होल्डर का, जिसे आपको वेजिटेबल के ऊपर होल्ड करना है और आप बड़ी आसानी से नाइफ से ओनियन, टोमेटो, पोटैटो जैसी कई सारी वेजिटेबल को बहुत ही आसानी से और जल्दी से चॉप एंड स्लाइस कर सकते हैं। आप इसे 200 रुपीज के अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से परचेस कर सकते हैं। गार्लिक पीलर। दोस्तों, लहसुन छीलना बहुत ही मुश्किल होता है और इसके लिए छोटा सा गैजेट आपके काफ़ी काम आ सकता है। बस आपको इसमें लहसुन के पीसेस को डालना है और इसे रोल करना है और गार्लिक छील जाएंगे। सो गाइस, ये छोटा सा गैजेट लहसुन के छिलके को निकालने के लिए काफ़ी यूजफुल हो सकता है।
मल्टीपर्पज फ्राइंग पैन कवर। गाइज हम लोग फ्राई पैन में काफी सारे डिशेस बनाते हैं और डिश बनाते टाइम हमें उसे अच्छे से पकाने के लिए ढक्कन का यूज करना पड़ता है, जिसके लिए आप यूज कर सकते हैं इन मल्टीपर्पज पैन कवर का। ये कवर पूरी तरह से नॉनस्टिक होते हैं और इसमें होल्स भी दिए होते हैं जिससे स्टीम बाहर निकलते रहती है। सो गाइस आप इन्हें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक से परचेज कर सकते हैं। थ्री पैन बफे सर्वर। दोस्तों आप मिलिए इस थ्री पोर्शन वाले फैमिली बफे सर्वर से, जो पार्टीज और फंक्शन वगैरह में आपके घर में काफ़ी हेल्पफुल साबित हो सकता है। इसमें आपका फूड काफ़ी लंबे समय तक गर्म रहता है, जिससे पार्टीज में खाने का मज़ा बना रहता है। गाइज इसके साथ आपको इसका कवर भी मिल जाएगा और खाने को गर्म करने के लिए आपको बस इसे ऑन कर देना है। सो गाइज ये आपके घरों में छोटे मोटे फंक्शन में काफ़ी यूजफुल हो सकता है। अगर आपको ये बफे सर्वर पसंद आया तो आप इसे परचेस कर सकते हैं। मैग्नेटिक ऑर्गेनाइजर रैक। दोस्तों आप मिलिए एक ऐसे कमाल के मैग्नेटिक रैक से, जिसे आप किसी भी मेटल सरफेस पर बड़ी इजीली स्टिक कर सकते हैं। इसमें लगे पावरफुल मैग्नेट की हेल्प से ये 5 केजी तक का वेट आराम से कैरी कर लेता है। इसका मल्टीपर्पज डिज़ाइन इसे कई सारे कामों के लिए परफेक्ट बना देता है। आप चाहें तो इसे दीवार या दरवाजों पर भी इजीली माउंट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स इस तरह का गैजेट हमारे कई सारे कामों को बेहद ही आसान करने के लिए काम आ सकता है। इलेक्ट्रिक डिश वॉशर। गाइस खाना खाने के बाद हमें बर्तनों को वॉश करना पड़ता है, जो बड़ा ही मेहनत वाला काम होता है और उसमें काफ़ी टाइम भी लगता है। इसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस इलेक्ट्रिक डिश वॉशर का। सिंपली इसे प्लग इन करके बर्तनों को इसमें होल्ड करके वॉश कर सकते हैं और इसमें आपको स्पीड के 3 मोड्स मिल जाते हैं। आप इसमें प्लेट्स, चम्मच, बाउल सभी बर्तनों को वॉश कर सकते हैं। सो गाइस अगर आप भी बर्तनों को बिना मेहनत के वॉश करना चाहते हैं तो इस इलेक्ट्रिक डिशवॉशर को परचेस कर सकते हैं। और वो गाइस अब मिलिए ब्लैक पेपर के सीड्स को पाउडर में कन्वर्ट करने वाले इस गैजेट से। बट गाइस ये नॉर्मल टूल से काफी डिफरेंट है। आप इसे एक हाथ से भी यूज कर सकते हैं, या आपको पेपर पाउडर की क्वांटिटी ज्यादा चाहिए तो आप इसे दोनों हाथों की हेल्प से भी यूज कर सकते हैं। ये इजीली सिंगल और डबल हैंड दोनों से ही पेपर सीड्स को पाउडर में कन्वर्ट कर देगा और आपको फ्रेश पेपर पाउडर दे देता है। मल्टी फंक्शनल बाउल। दोस्तों ये यूनिक सा मल्टी फंक्शनल बाउल आपको बेहद ही पसंद आएगा। आप इसमें किसी भी टाइप की दाल या वेजिटेबल को वॉश कर सकते हैं और फिर इसको थोड़ा सा झुकाकर सारा पानी इसमें बने होल से बाहर आ जाता है और आप सैलेड वगैरह को डायरेक्ट वॉश करके सर्व भी कर सकते हैं। गो गो ब्लेंडर। दोस्तों आपने कई सारे ब्लेंडर देखे होंगे, बट आज मैं आपके लिए एक ऐसा कमाल का ब्लेंडर लेके आया हूँ जिसमें आपको बस फ्रूट्स, वेजीज, नट्स और मिल्क वगैरह को ऐड करके इसे ऑन कर देना है और इसके शार्प ब्लेड और 350 वॉट की पावर से यह आपके लिए परफेक्ट एंड हेल्दी शेक कुछ ही सेकंड में रेडी कर देगा। आप इसमें स्मूदीज को भी बना पाएंगे और गाइज इसे क्लीन करना भी काफ़ी आसान है। अगर आपको ये ब्लेंडर पसंद आया तो उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, जहाँ से आप इसे परचेस कर सकते हैं। 10 ब्लेड सीजर। गाइज अब मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक अमेजिंग किचन सीजर, जिसमें आपको 10 शार्प ब्लेड मिल जाते हैं। इसे स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल को छोटे छोटे पीस में कट करने के लिए डिजाइन किया गया है। आप इसमें धनिया या कोई भी ग्रीन वेजिटेबल को बड़ी आसानी से और जल्दी से काट सकते हैं। सो गाइज ये सीजर आपके किचन में ग्रीन वेजिटेबल को जल्दी से काटने के लिए काफी यूजफुल हो सकता है। ड्रेनिंग डिश। दोस्तों फ्रेंच फ्राइज या पकौड़ी या फिर चिप्स या फिर कोई भी डिशेज को फ्राई करने के बाद हमें उसे अलग से प्लेट में रखना पड़ता है, जिससे कि इंग्रेडिएंट्स में लगा ऑयल प्लेट में आ जाता है। इसी प्रॉब्लम से बचने के लिए आप यूज़ कर सकते हैं इस गैजेट का, जिसे आपको फ्राइंग पैन में अटैच कर देना है, जिसके बाद आप फ्राई की हुई चीज़ें इसमें रख सकते हैं और इंग्रेडिएंट्स में लगा ऑयल पैन में आते रहेगा, जिसके बाद आप ऑयल फ्री डिशेज का मज़ा ले सकते हैं। सो गाइज आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।